नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। 31 अक्टूबर कोई भी मनुष्य नहीं बच पाएगा, समय आ गया है अब तक की सबसे भयंकर भविष्यवाणी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 31 अक्टूबर के बाद किस प्रकार से इस धराधाम पर खतरा आने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद दिवाली समाप्त हो जाएगी, यानी कि दिवाली इसी तिथि को पड़ रहे, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इसके बाद आपको अग्नि तांडव देखने को मिलेगा, यानी कि दिवाली के दिन आपको एक बड़ा अग्नि तांडव देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से दिवाली के बाद आप देखिए कि महासंकट आने वाला है, किस प्रकार से दिवाली के बाद महाविनाश आने वाला है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उस दिन जो है एक अग्नि तांडव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे दिवाली के बाद आप देखिए कि कई ग्रह जो है अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, देखिए हम सभी जानते हैं कि दिवाली जो है अमावस्या की रात को आती है, और सभी जानते हैं कि अमावस्या को कुछ तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो कहा जाता है कि दिवाली के रात्रि में जो है तांत्रिक साधना के माध्यम से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि दीपावली की जो रात्रि होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है उन लोगों के लिए जो अपने तांत्रिक शक्तियों को जागृत करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं गलत कार्य करते हैं। देखिए, उनका उद्देश्य इन शक्तियों के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाने का होता है। उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो समाज का कल्याण कर सकें। उनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि वो चाहते हैं कि उन्हें शक्तियां मिल जाए और लोगों को वो जो है कहीं ना कहीं परेशान कर सकें, लोगों का विनाश कर सकें। तो इस प्रकार से आप देखिए कि शक्तियां कहीं ना कहीं वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर समझने का विषय यही है कि ये जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं, निश्चित रूप से आप देखिए कि हानि पहुंचाने के लिए ही इन्हें पाया जाता है, यानी कि इनका साधना किया जाता है। तो दीपावली की जो रात्रि होती है वो बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हैं तांत्रिक साधना के माध्यम से। परंतु आप देखिए कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आप देखिए कि अब अग्नि तांडव आपको देखने को मिलेगा। यही बात भविष्य मालिका के माध्यम से संत अच्युतानंद दास जी भी बताना चाहते हैं कि दीपावली के बाद आपको अग्नि तांडव का प्रकोप बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वैसे यदि हम 2024 की बात करें तो आप देखिए कि 2024 में किस प्रकार से अग्नि तांडव आपको देखने को मिला, जहां पर हम सभी ने देखा था कि किस प्रकार से आप देखिए कि चारों ओर आग ही आग लग रहा था। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हम सभी ने देखा था कि उत्तराखंड के वनों में किस प्रकार से अग्नि तांडव देखने को मिला था। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप सभी ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको अग्नि तांडव देखने को मिला था। और भी बहुत सारे राष्ट्र थे, जहां पर अमेरिका की बात करें जहां पर अग्नि तांडव देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर बात कह सकते हैं कि अग्नि तांडव का प्रकोप कहीं ना कहीं देखने को मिला था। और यदि हम बात करें, आप देखिए कि यदि हम बात करें आप देखिए सूर्य की, तो सूर्य पर लगातार आप देखिए धमाके देखने को मिल रहे थे, जिसे सोलर फ्लेयर ब्लास्ट कहा गया। कहते हैं कि इसके माध्यम से लगातार तापमान जो है उस धराधाम पर बढ़ता चला जा रहा था, यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस धरती पर तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा था। हम सभी ने देखा था कि इस दौरान तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। आपने देखा था कि कई स्थान ऐसे थे जहां पर तापमान लगातार बढ़ता चला गया था। तो आप देखिए कि दिवाली के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अग्नि तांडव आपको देखने को मिल सकता है। कि हम सभी जानते हैं दीपावली के दिन जो है आप देखिए कि अग्नि से उसका जुड़ाव होता है, और कहीं ना कहीं अभी देखिए जो अग्नि देव हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस धराधाम से रुष्ट हो चुके हैं, इस धराधाम से कुपित हो चुके हैं। वैसे आप यहाँ पर प्रश्न ये भी करेंगे कि आखिर ये अग्नि तांडव हो क्यों रहा है। तो देखिए, यहाँ पर शनि देव जो है वो कहीं ना कहीं कुपित हो चुके हैं। अभी वर्तमान में हम सभी देख सकते हैं कि शनिदेव की 7:30 भी चल रही है, जिस कारण आप देखिए कि लगातार शनिदेव इस धराधाम पर कुदृष्टि डाल रहे हैं, जिस कारण आप देखिए कि लगातार यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। विशेषकर यदि हम अग्नि तांडव की बात करें तो अग्नि तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कि ग्रहों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार राहु केतु भी अपना स्थान बदल रहे हैं। यदि हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो वो भी अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि इस धराधाम पर आपको बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस धराधाम पर आपको बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। यही कारण है कि लगातार इस धराधाम पर अग्नि तांडव हो रहा है। तो आप देखिए कि अग्नि तांडव के कारण कितना बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब अग्नि तांडव वहां पर होगा तो हजारों घर जो है जल करके भस्म हो जाएंगे। इसके कारण आप देखिए कि आर्थिक हानि भी होगी, लोग बेघर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं तो हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल इससे बचाव कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक आपदा के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने जो बातें बताई हैं, जो भविष्यवाणी उन्होंने की है अग्नि तांडव को लेकर के, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये सत्य सिद्ध होती हुई दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार इस धराधाम पर अग्नि तांडव हो रहा है, जिस प्रकार से लगातार आग लग रहा है,
अब कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे 2025 की हम यदि बात करें तो 2025 में बताया जा रहा है कि इससे भी और भी खतरनाक आपको अग्नि तांडव देखने को मिलेगा। वैसे जो लोग हमारे वीडियो से नए जुड़े हैं और जो लोग भविष्य मालिका के विषय में नहीं जानते, उन्हें हम बता देते हैं कि भविष्य मालिका एक उड़िया ग्रंथ है जिसे कुल 5 संतों ने मिलकर लिखा था। सबसे अधिक इसमें संत अच्युतानंद दास जी ने आप देखिए कि भविष्यवाणी लिखी, उन्होंने जो भविष्यवाणी लिखी थी अब देखिए आप कहीं ना कहीं वो सत्य सिद्ध हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, वो भविष्य को देख सकते थे, इसीलिए संभवतः 600 वर्ष पूर्व ही उन्होंने आप देखिए कि भविष्य मालिका के माध्यम से समाज को ये बता दिया और लोगों को अवगत कराया कि किस प्रकार से आने वाले समय में लगातार प्राकृतिक आपदाएं घटने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दिवाली से जो है खतरनाक समय आ रहा है और दिवाली से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस दिन एक बड़ा अग्नि तांडव देखने को आपको मिल सकता है। तो समझने का विषय यह है कि आखिर ये अग्नि तांडव कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए दिल्ली नामक महानगर में अथवा मुंबई नामक महानगर में आप देखेंगे कि अग्नि तांडव आपको देखने को मिल सकता है और ये इतना भयानक हो सकता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए जब ये अग्नि तांडव होगा तो आप देखेंगे कि इसमें बड़ी बड़ी लपटें आपको उठती हुई दिखाई देंगी और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस दिन अग्नि का उपयोग होता भी है। दीपावली के दिन हम सभी जानते हैं दीपक इत्यादि जलाए जाते हैं और भी बहुत सारे अग्नि से जुड़े कार्य होते हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना भयानक रहने वाला है, ये कितना खतरनाक रहने वाला है। अब आप यहाँ पर प्रश्न ये करेंगे कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दीपावली के दिन आपको अग्नि से दूर रहना होगा। यदि आप अग्नि से दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना बचाव कर सकते हैं। वैसे दीपक इत्यादि आप जला सकते हैं परंतु इसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जो संयोग बन रहा है, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वो दिखा रही है कि कोई ना कोई बड़ा अग्नि तांडव होने ही वाला है दीपावली के दिन। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जागरूक रहना चाहिए। यदि हम जागरूक रहते हैं, यदि हम सावधान रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि दीपावली से किस प्रकार से अग्नि तांडव होने वाला है। हम जुड़ते हैं, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।